इरिडो 1.3। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है और शुरू में डब्ल्यू एक्सेलेरेशन से एक्सेलेट होती है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट स्पीड से चलती है और फिर डब्ल्यू मैग्नीट्यूड के डी एक्सेलेरेशन से डी एक्सेलेट होकर फाइनली रुक जाती है। ठीक है, और अपने को डाटा गिवन है कि जो कार है वो टोटल 25 सेकेंड के लिए चल रही है और कार की एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। और अपने से पूछ रखा है क्वेश्चन में कि जो कार कांस्टेंट स्पीड से चली वो कितनी देर के लिए कांस्टेंट स्पीड से चली। यही अपने को क्वेश्चन में निकालना कि कार कितने टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। मान लेते हैं कार, जो कार है वो यहां से चलना स्टार्ट हुई, फिर यहां तक समथिंग मान लो एक्सलेट हुई, यहां तक एक्सलेट हुई, फिर यहां से यहां तक वो कांस्टेंट स्पीड से चली, फिर डी एक्सलेट हुई और डी एक्सलेट होके फाइनली यहां पे रुक गई। ठीक है, अब देखना कार यहां पे रेस्ट से स्टार्ट हुई थी मतलब वी जीरो और फाइनली रुक गई तो भी वी जीरो, और यहां पे डब्ल्यू एक्सेलेरेशन से क्या हुई थी, आगे की तरफ एक्सेलेरेट हुई थी, तो यहां पे कुछ वी स्पीड गेन कर ली होगी। और मान लेते हैं टी टाइम के लिए वो एक्सेलेरेट हुई, कितने टाइम के लिए एक्सेलेरेट हुई, टी टाइम के लिए एक्सेलेरेट हुई तो कितनी स्पीड गेन कर लेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से डब्ल्यू टी स्पीड गेन कर लेगी, और यहां पे इसके बाद डब्ल्यू क्या हो गया जीरो, तो यहां पे कॉन्स्टेंट से चल रही है तो यहां पे भी स्पीड कितनी होगी, डब्ल्यू टी ही होगी क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसके बाद वो डब्ल्यू डी एक्सेलेशन से डी एक्सेलेट हो रही है और फाइनली जाके रुक जा रही है। ठीक है, अब देखना मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट कुछ टी नॉट टाइम के लिए चली, और एक चीज आप सिमिट्री से बोल सकते हो कि उसने डब्ल्यू एक्सेलेशन से जीरो से वी वेलोसिटी गेन करी, तो वी से जीरो वेलोसिटी भी वो डब्ल्यू एक्सेलेशन में ही होगा, क्योंकि देखना वी स्पीड से जीरो हुई तो डी एक्सेलेशन सेम ही है तो अभी भी क्या लगेगा, सेम ही टाइम लगने वाला है। मतलब जितनी देर में उसने वी जीरो से वी स्पीड गेन करी उतनी ही देर में वो वी से दोबारा जीरो पे आएगी, क्योंकि एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो उसको दोबारा रुकने में क्या लगेगा, टी ही टाइम लगेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। दूसरी बात देखना अपने को एवरेज स्पीड क्या दे रखी है, एवरेज स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना, 72 × 5/18 मतलब कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जो कार है वो टोटल कितनी देर के लिए चली, 25 सेकंड के लिए चली, मतलब टोटल कितना चल जाएगी, 20 से चल रही है एवरेज इंटू 25 मतलब कितना चल जाएगी, 500, मतलब कार टोटल कितना चली 500 मीटर, मतलब यहां से यहां तक वो जो टोटल चली वो कितना चली 500। अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि कार कितने टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चली मतलब टी नॉट। ठीक है, तो देखना पहली बात तो कार टोटल 25 सेकंड के लिए चली, तो आप एक बात क्या लिख सकते हैं कि टी प्लस टी नॉट प्लस टी इक्वल टू 25 सेकेंड, सही है कि नहीं, टोटल कितना चली 25 सेकेंड, तो ये लिख सकते हैं। तो यहां से टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 − 2t, ये इसको एक इक्वेशन नंबर में 1 बोल देता हूं। दूसरी बात देखना कार टोटल कितना चली, 500 मीटर चली, तो देखिए इसको आप S1 मान लो, इसको आप S2 मान लो, और ये भी क्या होगा S1, क्योंकि एक्सेलेशन और डी एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो जितनी डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस वहां पे भी ट्रेवल करेगा, आप खुद से चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना चला, S1 + S2 + S1 इतना टोटल चला और टोटल कितना है 500 मीटर। ठीक है, अब देखना यहां से यहां तक S1 निकालना है आपको, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो यूटी वाला टर्म तो गया, फिर हाफ एक्सेलेशन कितना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू टी स्क्वायर, क्या डब्ल्यू टी स्क्वायर,
तो एस वन की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ डब्लू टी स्क्वायर, ठीक है। एस टू की वैल्यू देखना, वेलोसिटी डब्लू टू, डब्लू टी गेन कर लिया और टी नॉट टाइम के लिए चल रही है तो कितना चल लेगी, और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है उसका हाफ ए टी स्क्वायर तो गया, केवल यू टी बचेगा और यू कितना है ओमेगा टी, और कितने टाइम के लिए, टी नॉट टाइम के लिए, तो ओमेगा टी और टी नॉट। फिर एस वन, एस वन तो मैं निकाल ही चुका हूं, एस वन क्या है हाफ डब्लू टी स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 500 मीटर मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 500 मीटर दे रखा है। अब देखना यहां से मैं टी नॉट की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो वहां यहां पे जब आप टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहां पे जब आप टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ डब्लू टी स्क्वायर और कितना ओमेगा टी और कितना 25 माइनस 2t प्लस हाफ ओमेगा टी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 500, ठीक है। अब देखना मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं बचा, इसलिए मैं आगे थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं कि ये t में क्वाड्रेटिक बन गई, t में क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गई। अब जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकालोगे तो t की दो वैल्यू आने वाली है, एक तो कितनी आएगी 5 सेकंड और एक कितनी आएगी 20 सेकंड। देखना t की दोनों वैल्यू ही क्या आई पॉजिटिव, तो डायरेक्ट तो मैं नहीं कह सकता कि कोई एक वैल्यू वैलिड है कोई दूसरी वैल्यू वैलिड नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा t की कौन सी वैल्यू वैलिड है कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है। तो सुनना, अपन ने अपना जो t नॉट बराबर क्या आया था, ये आया था, ठीक है, और अपने को t नॉट ही एट द एंड निकालना है। तो देखना आप क्या करिए, 5 सेकंड रखिए और 5 सेकंड रख के टी नॉट निकालिए। जब आप 5 सेकंड रख के टी नॉट निकालेंगे तो 5 सेकंड रख के टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे 5 सेकंड रखिए तो कितना आएगा 15 सेकंड पॉसिबल लग रहा है। अब आप क्या करिए, यहां पे 20 सेकंड रखिए टी की वैल्यू, टी की वैल्यू 20 सेकंड रखिए, तो टी की वैल्यू आप 20 सेकंड रख के टी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी -15 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि t की वैल्यू 5 सेकंड के लिए t नॉट कितना आया 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड वो कांस्टेंट स्पीड से चली जो कि पॉसिबल है, लेकिन t की वैल्यू मैं 20 सेकंड रख के t नॉट की वैल्यू निकालू तो कितनी आ रही है -15 सेकंड, तो -15 सेकंड वो कांस्टेंट चला, ये एक वैलिड बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब t की कौन सी वैल्यू है 5 सेकंड, और कितनी देर t की वैल्यू 5 सेकंड रख के t नॉट की वैल्यू कितनी है 15 सेकंड, मतलब कार कांस्टेंट स्पीड से कितनी देर के लिए चली 15 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से कार चली। अब देखना और भी बातें पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछे कि कार कितनी देर के लिए एक्सीलेट हुई, तो t 5 सेकंड के लिए, कार कितनी देर के लिए डी एक्सीलेट हुई, कितनी देर के लिए डी एक्सीलेट हुई 5 सेकंड के लिए, कितनी देर कांस्टेंट चली 15 सेकंड, और एक्सीलेशन के दौरान कार कितना चली वो भी अपन निकाल सकते हैं। यहां पे देखना हाफ ओमेगा तो दे ही रखा है अपने को, टी स्क्वायर की वैल्यू रख के अपन जब देख लेंगे कि वो जब एक्सेलेट हो रही है तो कितनी देर चल कितना चल जाएगी, और डी एक्सेलेट होगी तो कितना चल जाएगी ये भी निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट के दौरान कितना चलेगी ये भी अपन निकाल सकते हैं, तो अपन कोई भी बात इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, सही है। तो अपने से तो पूछा था कितनी देर के लिए कांस्टेंट चलेगी जिसका आंसर है 15 सेकंड, बाकी बातें भी अपने से पूछे तो अपन कर सकते हैं।